नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ऑल इन वन पर। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में कई एक्टर आए और कई चले गए, परंतु बॉलीवुड में ऐसे तीन एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने फैंस के दिलों के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी राज किया। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की। हालांकि तीनों ही खान्स ने बॉलीवुड में राज करा है, पर आज मैं बताऊँगा हु इज़ द बेस्ट खान। तो दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ एक्टिंग स्किल्स की ही बात नहीं करूँगा, बल्कि बॉक्स ऑफिस, फैन फॉलोइंग, इन सब की भी बात करूँगा। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। फर्स्ट, एक्टिंग स्किल्स। अगर तीनों खान्स में एक्टिंग स्किल्स की बात करें तो टक्कर हर बार आमिर खान और शाहरुख खान के बीच होगी। यदि सलमान खान की बात करें तो वो एक्टिंग के मामले में कहीं ना कहीं दोनों खान से बहुत पीछे हैं, पर कुछ मूवीज़ हैं जिनमें सलमान खान ने शानदार एक्टिंग करके अपने फैंस और हमें भी चौंकाया है। अब बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान की एक्टिंग स्किल्स का उनकी पहली ही मूवी दीवाना से पता लग गया था, पर शाहरुख खान को प्रशंसा उनकी मूवी बाजीगर से मिली, जिसमें शाहरुख खान ने एक ऐसे लड़के का रोल प्ले करा जो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है। उसी वर्ष शाहरुख खान की डर मूवी आई जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले करा। उनकी एक्टिंग में इतनी ताकत थी कि मेन हीरो से ज़्यादा उनकी नेगेटिव रोल की चर्चा हुई। 1995 से लेकर 2000 के बीच शाहरुख खान ने कई सुपरहिट रोमांटिक मूवीज़ की जिसमें उनकी एक्टिंग की भी काफ़ी सराहना हुई। 2000 के बाद शाहरुख खान ने कई ऐसी मूवीज़ की जिसमें उनके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई। 2004 में शाहरुख खान की स्वदेश मूवी आई जिसमें उन्होंने यंग नासा साइंटिस्ट की भूमिका निभाई जो अपनी दादी माँ को लेने भारत जाता है पर ला नहीं पाता, विदेश छोड़कर भारत में ही रहने लग जाता है। स्वदेश को शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में कंसिडर किया जाता है। वहीं 2007 की चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने कोच कबीर खान की भूमिका निभाई और उसमें दिखाया कि वो किस तरह से इंडियन वुमेन हॉकी टीम को वर्ल्ड कप जिताने में सफल होते हैं। 2010 में शाहरुख खान माय नेम इज़ खान में दिखे जिसमें उनकी एक्टिंग देखकर हर किसी ने उनकी तारीफ ही की। 2010 के बाद से शाहरुख खान की कोई ऐसी मूवी नहीं आई जिसमें उनकी एक्टिंग की तारीफ की जाए। हालांकि रईस में उन्होंने अच्छी एक्टिंग की, पर जितनी उस मूवी से उम्मीद थी उस पर खड़ी नहीं उतरी। अब बात करते हैं आमिर खान की। आमिर खान 1988 से लीडिंग रोल एक्टर के तौर पर मूवीज़ करने लगे थे, पर 1995 की रंगीला मूवी से उनकी एक्टिंग की चर्चा होने लगी। फिर 1999 में पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में सरफरोश में उनकी एक्टिंग दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। 2001 की लगान में आमिर खान की एक्टिंग देखने लायक थी जिसमें उन्होंने एक देहाती का रोल निभाया। आमिर खान खुद अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस लगान को ही कंसिडर करते हैं। लगान को 2001 में भारत की ओर से ऑस्कर्स के लिए भेजा गया था। हालांकि आमिर खान की यह मूवी ऑस्कर नहीं जीत सकी, परंतु इसने जनता के साथ साथ क्रिटिक्स की भी वाहवाही लूटी। उसी वर्ष 2001 में आमिर खान ने दिल चाहता है में एक कूल यंग बॉय का किरदार निभाया जो कि अगेन दर्शकों को काफ़ी पसंद आया। उसके बाद 2006 में रंग दे बसंती में कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका निभाई जो अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। 2007 में आमिर खान तारे ज़मीन पर एक टीचर की भूमिका में नज़र आए जिसमें उन्होंने टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को दर्शाया। इस मूवी को वर्ष 2008 में ऑस्कर्स के लिए भेजा गया था, पर यह मूवी ऑस्कर नहीं जीत सकी। 2008 में आमिर खान ने गजनी मूवी के लिए ज़बरदस्त एक्टिंग की और शानदार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया। 2009 में थ्री इडियट्स में आमिर खान ने स्टूडेंट का रोल प्ले करा और उस समय आमिर खान की उम्र 44 वर्ष थी। दर्शक आमिर खान की एक्टिंग में इतना खो गए कि उनकी उम्र का पता ही नहीं चला। 2014 में आमिर खान पीके में दिखे और 2016 की दंगल में महावीर सिंह के किरदार को निभाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, जिसका परिणाम यह निकला कि दंगल बॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी बनी। मेरे अकॉर्डिंग शाहरुख खान और आमिर खान में एक्टिंग स्किल्स में आमिर खान शाहरुख खान से थोड़ा आगे हैं। आमिर खान जो रोल अदा करते हैं उसमें पूरा घुस जाते हैं, जिस कारण उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। सेकंड, बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यहाँ शाहरुख खान आमिर खान और सलमान खान से थोड़ा पीछे दिखाई देते हैं। 1995 की DDLJ शाहरुख खान की पहली मूवी थी जिसने इंडिया में 50 करोड़ से ज़्यादा कमाई की। वहीं शाहरुख खान की 100 करोड़ कमाने वाली मूवी 2011 की रावण थी और 200 करोड़ की कमाई करने वाली पहली मूवी 2013 की चेन्नई एक्सप्रेस थी। शाहरुख खान के पूरे करियर में आज तक 5 फिल्मों ने 100 करोड़ और 2 फिल्मों ने 200 करोड़ की कमाई की है। शाहरुख खान की किसी भी मूवी ने आज तक 300 करोड़ नहीं कमाए। शाहरुख खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी चेन्नई एक्सप्रेस है जिसने 227 करोड़ की कमाई की थी। वहीं अगर आमिर खान की बात करें तो 2006 की रंग दे बसंती आमिर खान की पहली मूवी थी जिसने 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। वहीं 2008 की गजनी आमिर खान की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली मूवी थी जो 100 करोड़ की कमाई करने वाली पहली मूवी बनी। उसके बाद 2009 की थ्री इडियट्स दोबारा आमिर खान और पूरे भारत की पहली मूवी थी जिसने भारत में 200 करोड़ का बिजनेस करा।
2014 में पीके आमिर खान और एक बार फिर से भारत की पहली मूवी बनी जिसने भारत में 300 करोड़ की कमाई की। 2016 में आमिर खान की दंगल 13 करोड़ और कमा लेती तो भारत की पहली मूवी बन जाती जो 400 करोड़ का आंकड़ा छू लेती। आमिर की दंगल ने भारत में 387 और विश्व में 2000 से ज़्यादा की कमाई की थी। आमिर खान के पूरे करियर में आज तक दो मूवीज़ ने 100 करोड़, दो मूवीज़ ने 200 करोड़ और दो ही मूवीज़ ने 300 करोड़ की कमाई की है। अब बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान की हम आपके हैं कौन पहली मूवी थी जिसने भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा था। वहीं 2010 की दबंग सलमान खान की पहली मूवी थी जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करी थी। सलमान खान की 200 करोड़ कमाने वाली पहली मूवी किक थी और 300 से ज़्यादा कमाई करने वाली पहली मूवी बजरंगी भाईजान। टाइगर जिंदा है सलमान खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है जिसने 339 करोड़ की कमाई की थी। सलमान खान की 2010 से 2019 तक सभी 15 मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करा जो कि एक रिकॉर्ड है। सलमान खान के पूरे करियर में आज तक 9 मूवीज़ ने 100 करोड़, 3 मूवीज़ ने 200 और 3 मूवीज़ ने 300 करोड़ की कमाई की है। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यहाँ सलमान खान एक तरफा मुकाबला जीतते हैं। थर्ड, फैन फॉलोइंग। यदि तीनों खान्स की फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो तीनों ही खान्स के विश्व भर में लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है। सलमान खान की अधिकतर फैन फॉलोइंग भारत पाकिस्तान में है, वहीं आमिर खान की भारत पाकिस्तान के अलावा चाइना में बहुत फैन फॉलोइंग है जिसका अंदाज़ा दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार की कमाई से ही पता लगाया जा सकता है। दंगल ने चाइना में 1300 करोड़ के करीब कमाई की थी और सीक्रेट सुपरस्टार ने चाइना में 800 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करी थी। पर जितनी फैन फॉलोइंग शाहरुख खान की इस दुनिया में है शायद ही किसी दूसरे सुपरस्टार की हो। 2012 में BBC के अकॉर्डिंग शाहरुख खान के वर्ल्ड में किसी भी दूसरे सुपरस्टार के मुकाबले सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। विश्व में शायद ही कोई हो जो शाहरुख खान को ना जानता हो। तो फैन फॉलोइंग के मामले में शाहरुख खान जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने सारे स्टैट्स रख दिए हैं, अब ये आप डिसाइड करिए कि आप तीनों में से किसे बेस्ट खान मानते हैं। तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी और शानदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।